सो हेलो एंड वेलकम टू साइंस अमर्थ गाइनी क्लासेस डिसेमिनेटेड इंट्रा कोएगुलेशन और कंजम्पटिव कोएगुलोपैथी तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्सिट्रिक्स में डीआईसी की ज़्यादा चांसेस होती हैं क्या हाँ होती हैं फिर क्यों होती हैं इसलिए होती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है है ना प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद फाइब्रिनोजिन का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है फाइब्रिनोलिटिक एक्टिविटी भी कम हो जाती है और इसलिए प्रेगनेंसी एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है जिसमें डीआईसी की ज़्यादा चांसेस होती हैं अब हम बात करेंगे कि डीआईसी होता क्या है तो डीआईसी का मतलब क्या है जो वर्ड अगर आप देखो ना डिसेमिनेटेड इंट्रा कोएगुलेशन डिसेमिनेटेड मतलब कि फैल गया पूरी बॉडी में फैल गया इंटरा मतलब इनसाइड द वेसल्स और वस्कुलर में भी कौन से वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं ऑलमोस्ट सारे पर ज़्यादा परेशानी तब हो जाती है जब माइक्रो वस्कुलेचर इन्वॉल्व होता है कैपिलरीज इन्वॉल्व होती हैं है ना और कोएगुलेशन एग्यूलेशन वो हैडी आई सी वो एक्टिवेट हो गया पूरी बॉडी में कोएगुलेशन होने लग गया और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने लग गई वो क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं बट दिस इज़ डीआईसी इसको कंजम्पटिव कोग्योलेपति इसलिए कहते हैं क्योंकि इट कंज्यूम्स द क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड द प्लेटलेट्स एंड इट लीड्स टू ब्लीडिंग सो एक अन प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन चालू हो गया है बॉडी में और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं तो वो डी है हुँ? अब दो तरह का होता है एक तो होता है अक्यूट और एक है अक्यूट में क्या होगा फटाफट शुरू जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना वो बहुत फास्ट प्रोसीड करेगा और फिर थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हो जाएगा और प्लेटलेट्स की कमी की वजह से पिटिकल हेमरेज आने लगेंगे पिटिकल हेमरेज का क्या मतलब है बिल्कुल स्किन के स्किन के ऊपर रेडिश डॉट लाइक अपियरेंसेज यू विल विजुअलाइज पैलेट में भी लोकलाइज हो जाता है लेग्स में भी और हम आ, आ, इसको पिटिकल हेमरेज बोलते हैं ये इसलिए होता है क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो गया है तो प्रेजेंटेशन अक्यूट का यही होता है और साथ में वो प्रेजेंटेशन होता है जो अंडरलाइंग कॉज का है अक्यूट डीआईसी ज़्यादा कॉमन है ऑप्सिट्रिक्स में सारे केसेस सिर्फ एक को छोड़ के अक्यू डीआईसी के होते हैं तो वो एक कौन सा है जिसमें क्रॉनिक डीआईसी होता है और क्या होता है क्रॉनिक डीआईसी, और कैसे मैनिफेस्ट करेगा तो क्रॉनिक मतलब कि लॉन्ग टर्म मतलब धीमे 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 डेवलप हो गया थ्रोम्बोसिस हो रही है ब्लड वेसल्स के अंदर और फिर Uh, जो है वो अल्टीमेटली डीआईसी में कन्वर्ट हो गया वो है क्रॉनिक डीआईसी एक कंडीशन जिसमें ऑब्सिट्रिक्स में जो इम्पोर्टेंट है वो है आईयूडी इंट्रा यूटराइन डेथ प्रोलॉन्ग्ड वन मंथ से ज़्यादा अगर इंट्रा यूटराइन डेथ है वो भी सिक्सटीन वीक से ज़्यादा के फीटस की तो फिर क्रॉनिक डी की चांसेस रहती हैं ओके सो डियर स्टूडेंट्स जस्ट गो थ्रू दीज कॉज पहला क्या है अब्रप्श्यो वॉट इज अब्रप्शियो अब्रप्श्यो प्लेसिंटे प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूटराइन बॉल है ना अब वो अब रफ्श्यू नहीं पढ़ाऊंगी मैं आपको अभी बट प्रीमेच्योर सेपरेशन की वजह से प्लेसेंटा ही थ्रोम्बोप्लास्टिज रिलीज करता है ब्लड वेसल्स के अंदर भेजता है और वो डी आई सी कॉज कर देता है सिवियर पी आई एच जहाँ इंट्रावेस्कुलर डैमेज कैपिलेरियल डैमेज ही तो पैथोजेनेसिस है है ना जिसकी वजह से थर्ड स्पेस कलेक्शन भी होने लगता है और इसकी वजह से आ, जो है हेल्प सिंड्रोम डेवलप हो सकता है और डी आई सी भी हो सकता है एंडोटॉक्सीमिया या सेप्टिक शॉक हाइपर बैक्टीरिमिया की वजह से क्या हुआ अंदर सेप्सिस हो गई किसी भी कारण से हो सकती है इन्फेक्टिव फोकाए कहीं पे भी रहा हो वो डिसेमिनेट हो गया और उसके बाद एंडोटॉक्सीमिया हो गई है ना तो इम्यून स्टेटस तो वैसे ही कम होता है प्रेगनेंसी में तो फिर ये जो है ये कॉज कर सकता है डीआईसी आई फ्लूइड एम्बोलिज्म या इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जब इंट्रा यूट्राइन टेंशन बहुत ज़्यादा होता है और अचानक से कभी कभी वेस्क्यूलर रप्चर की वजह से एमनियोटिक फ्लूड ब्लड वेसल के अंदर चला जाता है एमनियोटिक फ्लूड एम्बोलिज्म हो जाती है डेथ भी होती है बहुत सारे केसेस में डेथ हो जाती है और वो डी भी कॉज कर सकता है अगर पेशेंट सर्वाइव कर गई तो हाइपोटोनिक इंट्रा एमनियोटिक सेलाइन इन्फ्यूजन ये क्या है इसमें हम एमनियोटिक कैविटी में सेलाइन डाल रहे हैं हाइपरटोनिक सेलाइन क्यों डालेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने का एक तरीका है ये तो तब हम डालते हैं और कभी कभी अगर इंट्रावेस्कुलर लीकेज हो जाए ना सेलाइन का तो वो एक्वागलेशन प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है वेसिकुलर मोल या जिस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज उसमें भी ये होता आता है डेक्स्ट्रॉन इन्फ्यूजन और हेमरेजिक पी तो ये कॉजेज हैं अक्यूट डी के तो मेरा ख्याल है डेक्स्ट्रॉन इन्फ्यूजन क्या होता है डेक्स्ट्रॉन डेक्स्ट्रॉन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम इंट्रावेस्कुलरली इन्फ्यूज़ करते हैं जब हाइपोवोलेमिया की स्टेटस रहती है जब देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग यू नो देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग एंड द पेशेंट इज़ इन अ हाइपोवोलेमिक स्टेट एंड यू जस्ट डोंट हैव ब्लड रेडी एट हैंड टू इन्फ्यूज टू मेकअप द ब्लड प्रेशर एंड देन वॉट यू डू यू इन दिस डेक्सट्रॉन सो दैट द ब्लड प्रेशर इज मेड अप बट इफ़ यू गिव इट इन लार्ज अमाउंट इट कैन लीड टू डी आई सी Is that okay? Now, hemorrhagic PPH is another condition कंडीशन वेयर द पेशेंट हैज़ a lot, बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई है अब intravascular वॉल्यूम कम हो गया है और अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या होगा Stasis हो जाएगी ब्लड की ब्लड की फ्लो की velocity कम हो जाएगी और उसकी वजह से भी DIC आई सी हो सकती है तो अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि डी आई सी मैनिफेस्ट कैसे करेगी तभी हम ये बात कर पाएंगे कि हम उसे डायग्नोज कैसे करेंगे तो हुआ क्या कि कोएगुलेशन होने लग गया सारे ब्लड वेसल्स में और उसकी वजह से क्या हुआ कि फाइब्रिन का डिपोज़िशन हो गया माइक्रो सर्कुलेशन में अब जो कोएगुलेशन हुआ उसने प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी कंज्यूम कर लिया बहुत लार्ज अमाउंट्स में जब इनकी कमी हो गई तो क्या हुआ ब्लीडिंग हो जाएगी ये जो फाइब्रिन के डिपॉजिट्स हैं ये क्या कर सकते हैं एक तो ईशीविया कॉज कर सकते हैं है ना और जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो सकता है दूसरा क्या होगा अगर फाइब्रिन के डिपॉजिट्स हो जाएंगे माइक्रो सर्कुलेशन में तो आर को निकलने में प्रॉब्लम होगी है ना और फिर वो डैमेज हो जाएंगे और हिमोलिसिस हो जाएगी तो हिमोलिसिस हो सकती है फिर फाइब्रिन के डिपॉजिट्स अगर हैं कहीं पर भी तो बॉडी का एक इनहेरेंट मेकेनिज्म है कि वो फाइब्रिनोलिसिस एक्टिवेट कर देगा तो दे विल बी एन एक्टिवेशन ऑफ सेकेंडरी फाइब्रिनोलिसिस एंड दिस विल लीड टू एफ डी पी और फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स डी डाइमर वगैरह इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और फाइब्रिनोलिसिस से वेसल की पेटेंसी हो जाएगी लेकिन क्या होगा जो इतना फाइब्रिनोलिसिस एक्टिवेट हुआ है ना उसकी वजह से और ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाएगी तो ये होता है डी आई सी है ना लॉट ऑफ ब्लीडिंग अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल एंड the patient can even bleed to death bleeding from everywhere from no nostrils you catheterize in blood in the urine and from blood from the gums that is the status so now how to diagnose the condition तो एक तो होता है क्लिनिकल एविडेंस क्लिनिकल एविडेंस क्या है कि सब जगह से ब्लीडिंग हो रही है आपने वेनफ्लॉन डाला है वहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है गम से हो रही है वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है यूरिन में ब्लीडिंग है पेशेंट का बी पी फॉल होएगा शॉक में चला जाएगा ये तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है जो आप देख रहे हो फिर बेड साइड टेस्ट कराओगे ना तो बेड साइड टेस्ट क्या होते हैं बेड साइड मतलब जो क्विक हो जाते हैं बी टी सी टी यस क्लॉट ऑब्जर्वेशन और क्लॉटिंग टाइम इट इज़ अ वेरी यूजफुल बेड साइड टेस्ट सो इफ अ क्लॉट फॉर्म्स इन टेन मिनिट्स ओके एंड इफ इट रिमेन्स फॉर्म फॉर अनादर थर्टी मिनट्स देन डी आई सी इज अनलाइकली एंड द फाइब्रोजिन लेवल आप समझ सकते हो कि वो हंड्रेड मिलीग्राम पर डेसीटर से ज्यादा है फिर एक दूसरा वेडसाइड टेस्ट है क्लॉट रिट्रैक्शन टेस्ट उसमें क्या होगा कि क्लॉट बन गया और फिर वो एक घंटे में रिट्रैक्ट हो गया तो हम सोच सकते हैं कि प्लेटलेट्स का नंबर सही है ठीक है क्लॉट स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इज इंडिकेटेड कैसे पता चलेगा कि अगर स्टेबल क्लॉट है ओवर 48 एट आवर्स एगुलेशन प्रोफाइल करा सकते हैं गोगुलेशन प्रोफाइल में फाइब्रोजन ऐसे होता है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होने चाहिए फाइब्रोजन डी डाइमर टेस्ट है फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स देखने के लिए वो बढ़ जाएंगे अगर डीआईसी हो गया है तो प्लेटलेट काउंट्स 1.5 से ऊपर होने चाहिए प्लेटलेट्स नॉर्मल इतने होते हैं ओके देन टाइम पार्शल थ्रोम्बोप्लेस्टिन टाइम तो ये सब जो है ये क्वाइगलेशन टेस्ट हैं जो आप करवा सकते हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अब मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो मैनेजमेंट क्या होगा मैनेजमेंट तो बेसिकली कॉज पे डिपेंड करेगा आ, किस वजह से जो है डीआईसी में चला गया है अगर आईयूडी है तो फिर हमें टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी और अगर हेल्प है हेल्प जो कि पीआईएच में डेवलप होता है तो हमें भी तब भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है क्योंकि वहाँ सब जो गड़बड़ी है वो प्लेसेंटा से ही आ रही है वही थ्रामोप्लास्टिज जनरेट कर रहा है तो हमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी बाकी जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है दैट इज़ फ्लूड रिप्लेसमेंट बिकॉज द पेशेंट इज़ ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग एज एंड इट इज़ इन शॉक सो यू हैव टू रिप्लेस द फ्लूड्स विद आइदर क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉयड्स ओके सो द एक्सट्रांसोल्यूशन इट इज़ अ कोलॉयड हाँ बट इट शुड नॉट बी used क्योंकि उसको देने से और ज़्यादा डी आई सी की चांसेस बढ़ जाती हैं वो प्लेटलेट फंक्शन के साथ इंटरफेयर करके और ब्लीडिंग को एग्रवेट कर देता है सो बेस्ट इज रिंगर लैक्टेड सो ब्लड कॉम्पोनेंट्स जो भी कॉम्पोनेंट्स कम हो गए चाहे वो फाइब्रोजन है चाहे वो प्लेटलेट्स हैं तो वो हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो हमें रिप्लेस करने हैं वो कॉम्पोनेंट थेरेपी है तो अप्रोप्रिएट ब्लड प्रोडक्ट जिसकी कमी हो गई है बस वही वाला हमें देना है दैट इज़ कॉम्पोनेंट थेरेपी तो हम स्टोर्ड ब्लड सेल्स दे सकते हैं हम प्लेटलेट्स दे सकते हैं और हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं प्रेसिपिटेट दे सकते हैं जिसमें फाइबर होता है तो ये सब ब्लड कॉम्पोनेंट थेरेपी में आता है And the best, best replacement is fresh blood. So, blood for blood, okay? That is the uh, gold standard. Heparin and antifibrinolytics are not useful in DIC and they are not advocated. So, this was all about the management of DIC. Hope you enjoyed it.